सब्सक्राइबर्स हैं। पहले मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी इनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने में। And welcome back to the another vlog of my channel. और आज है Saturday. Saturday Sunday मुझे usually याद रहते हैं, but मैं जो कुछ working days होते हैं उसको भी Saturday Sunday समझ लेती हूँ. तो आज Saturday है और कल मैंने एक vlog ख़त्म करा है, मतलब सुबह से लेकर रात तक का ही vlog किया. अदरवाइज मैं ऐसे करती ही नहीं हूँ, मेरा vlog चलता है next day तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें मैंने कुछ important चीज़ नहीं बताई है या मैंने कुछ important चीज़ miss कर दी है ऐसे करके, तो मेरा vlog usually लंबा खिंच जाता है. कल मैंने एक video डाला था जिसमें विक्की की काफ़ी सारी कुकिंग, समोसा वमोसा ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें विक्की के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे. तो मैंने विक्की को बोल दिया था कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं उन पर रिप्लाई कर देना. तो विक्की ने इतने डोप आंसर्स दिए हैं, मतलब आप लोग मेरे को बोलते हो कि मैं थोड़े वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देती हूँ, विक्की टेढ़े आंसर देता है. टेढ़े कैसे, मतलब वो मस्ती में देता है. तो मैं थोड़ा सा विक्की ने एक दो आंसर्स मुझे पढ़ाए तो ऑब्वियसली अगर कोई बुरा ना लग जाए किसी को, तो अगर आपको इस तरह का कुछ आंसर्स गया है वो थोड़े मजाक टोन में है, डोंट माइंड इट. ठीक है, उसको मस्ती में किया है उसने. एक ने तो मुझसे लिखा है आर यू मैरिड, मतलब हर ब्लॉग में तो नहीं बट हाँ तीन चार कभी कभी आते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन कि आर यू मैरिड. भाई मैं पूरा मेरा पति दिखाती हूँ वीडियो में और इतनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ, तो विक्की नीचे लिख रहा है कि अरे भाई कम से कम पूरा वीडियो तो देख लो, मतलब लोग बिना वीडियो देखे पूछ रहे हैं. एंड आज सुबह से बारिश हो रही है मस्त मस्त सी, तो दिखाती हूँ, दिख रही है आपको. दिल वाले पूछने ना, ये हो रही है बारिश. तो ये यहाँ पर विक्की के डंबल्स रखे हुए हैं और ये यूजुअली यहाँ पर ये काफ़ी हैवी है, मतलब ऑब्वियसली वेट इनका हैवी है. तो क्या है ना कि वो यहाँ पर रखता है, मतलब इसके ये जो जगह दिख रही है ना इधर पे दिखता है रखता है. तो मुझे डर है कि ये जो नीचे वाला प्लाई है अब ये इतना हैवी थोड़ी ना आएगी, कहीं नीचे ना हो जाए. तो इसलिए मैं इसको इस वाले हैं इसमें सबसे लास्ट वाले सेक्शन में रखवाने वाली हूँ, मतलब सबसे नीचे. तो मेरे कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई है, तो क्योंकि झाड़ू लगेगी तो उससे पहले मैं ये काम करूँगी. अभी सुबह सुबह मैं सबसे पहले ये काम करने वाली हूँ. ये सारा मेरा एसेंशियल ऑयल्स का कंटेनर है, तो सब तरह के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें, काफ़ी सारे वासु के हैं, फिर कुछ गुड वाइब्स के एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के एसेंशियल ऑयल्स इसमें प्रेजेंट हैं. और इनमें से सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल ऑयल मुझे पसंद है वो एक तो लैवेंडर है, मैं सबसे ज़्यादा लैवेंडर यूज़ करती हूँ, और दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये लेमन ग्रास. लेमन ग्रास का ये वाला जो मैंने लिया था ये होम सेंटर से लिया था, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेमन ग्रास के छोटे 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 से. उसके बाद ये ग्रीन एप्पल, ये भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, मतलब पूरे घर को महका देता है. अभी जैसे बारिश के टाइम पे क्या होता है ना कि आपके घर पे ऐसे हल्की हल्की सी गंदी गंदी सी कुछ स्मेल टाइप की आती है ना, ऐसे सीलन हो गई या इस तरह का कुछ हो गया, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, आपका घर बहुत अच्छा महकता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है. मुझे बहुत पसंद है एसेंशियल ऑयल यूज़ करना. तो कल रात को हम लोगों ने आलू का मसाला बना लिया था, वो फ्रिज में रखा हुआ है ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा, है ना. एंड आज सिर्फ डो बनाया जाएगा मैदे का और फटाफट समोसे बनाए जाएंगे. तो यहाँ पर अभी सबसे पहले लिया हुआ है मैदा, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं. एंड ऑयल, उसमें थोड़ा सा ऑयल हम लोगों ने ऐड किया हुआ है एंड साथ ही साथ अजवाइन ऐड करी है एंड थोड़ा सा नमक ऐड किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद हल्का सा पानी भी मिलाया है बीच बीच में एंड डो तैयार किया है. डो बन जाने के बाद आपको इसको 10-15 मिनट्स रखना होता है एंड जब तक विक्की यहाँ पर ये काम कर रहा था, मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ पूरे घर की, तो बेसिकली ऐसे हमारे काम डिवाइड होते हैं. तो नाउ अब हम वापस से जाते हैं विक्की के पास और यहाँ पर अब वो प्रॉपरली जो
क्या बोलते हैं उसको, लोई बोलते हैं ना, लोई बना बना करके रखने वाला है वो, एंड छोटे छोटे वो बना लेगा लोई बना करके, एंड अब फिर वो बेलना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ वो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उसने बेला है। तो बहुत छोटे छोटे उसने, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं पूरा रोटी बना करके उसमें छोटे छोटे पार्ट्स निकालते हैं, बट ये एक पूरा उसका समोसा बनाता है, इस तरह का उसका प्रोसेस है। यहाँ पर उसने कटिंग करा है, कटिंग क्यों किया है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब ये समोसे का शेप में उसको चेंज करेगा। ये सिर्फ बॉर्डर्स पर पानी लगाया हुआ है एंड समोसे के शेप में, मतलब जो कोन है वो बनाया है, एंड कोन को इस तरह से हाथ में फिट करके अब इसमें फिलिंग करी जाएगी। तो आलू का मसाला जैसा आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची तीखा वीखा जो भी नॉर्मल आलू का मसाला आप बनाते हो वैसा आप बना लीजिए, एंड जो भी आपने मसाला बनाया है वो बस आपको इसके अंदर फिल कर देना है, एंड अगेन बाउंड्री पे पानी लगा करके इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि आपका जो समोसा है वो फटे ना। तो इस तरह से दो समोसे, दो तीन समोसे बना करके रखती हैं। तो जब तक विक्की समोसे का काम कर रहा है चलते हैं मेरे पास, और मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, अपनी बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने ये बेडशीट दिखाया था तो काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, कमेंट्स आए थे कि आप बेडशीट्स कहाँ से लेते हो। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है, पहले मैं भोपाल से लेती थी, बट अभी तो पिछले दो बार से जब से गई हूँ तब से मैंने भोपाल से भी नहीं खरीदा है। तो वो जो ब्लू वाली आपने देखी है वो मैंने डीमार्ट से लिया था, एंड उसकी क्वालिटी मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छी नहीं है। एंड ये जो ऑरेंज वाली आप देख रहे हैं ये मैंने मिंत्रा से भी सेल चल रहा था तो वहाँ से लिया था। अगर मुझे लिंक मिल जाती है कि स्टॉक में रहेगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। तो जब डीप क्लीनिंग होती है तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ ये डेली नहीं करती हूँ मैं, ये मैं हफ्ते में एंड समटाइम्स 10 डेज में एक दिन करती हूँ, डे डिसाइड कर लेती हूँ जिस दिन करना होता है। और मैं यूजुअली उस दिन करती हूँ जिस दिन मेरी कुकिंग ड्यूटीज़ ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कुकिंग के साथ ये काम नहीं हो सकता है, ये इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें थक जाते हैं। तो जब तक अब मेरा बारी आने वाली है वहाँ पे, तब तक विक्की यहाँ पर मॉपिंग करेगा। अब हम चलते हैं मेरे पास। ओके, तो विक्की ने समोसे पूरे बना के रख दिए हैं लाइक दिस, उसने सब कुछ तैयारी कर दी है। जब तक ये हो चुके हैं अब मैं इसको फ्राई करूंगी, फ्राई करने की ड्यूटी मेरी है। तो ऐसे जब तक वो समोसे कर रहा था तब तक मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है घर की, डीप क्लीनिंग, झाड़ू वाड़ू सब कुछ मैं करती हूँ। फिर एंड में जो मॉपिंग होती है वो विक्की का होता है, तो मॉपिंग वो कर रहा है। जब वो मॉपिंग कर रहा है अभी वो उसके बाद शाड़ लेने के लिए जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर इसको फ्राई कर दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी शाम हो रही है और खाना खाऊंगी मैं डेढ़ दो घंटे बाद। तो अभी मैं लेने वाली हूँ ये प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर बाय ओजीवा। तो ये बेसिकली बेरी ऑरेंज फ्लेवर में है। तो ये बेसिकली करता क्या है, मैं सिंपल एंड इजी वर्ड्स में बताती हूँ। तो ये आपके स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अब कोलेजन क्या होता है, कोलेजन आपके स्किन को यूथफुल और सैगीनेस जो होती है उसको, मतलब सैगीनेस नहीं होने देता है, आपकी स्किन को यूथफुल बनाए रखता है, ये करता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो कोलेजन होता है इसकी मात्रा आपके स्किन से कम होने लगती है, आपकी बॉडी से कम होने लगती है, जिसकी वजह से जब एज आपकी बढ़ती जाती है तो रिंकल्स, फाइन लाइन, उसके बाद सैगीनेस आना, यूथफुलनेस कम हो जाना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो काफ़ी सारी क्रीम्स आती हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन इंटरनल आप मतलब इंटरनली ठीक करने के लिए ये इस तरह का आप प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर ले सकते हैं, और 100% वीगन प्रोडक्ट है ये। मार्केट में मिलने वाले जो कोलेजन होते हैं वो यूजुअली एनिमल डिराइव्ड होते हैं, एंड इसलिए वो हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं।
यूजुअली वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं एंड इसके साइड इफेक्ट में क्या होता है, आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ओजीवास का प्लांट कोलाजन बिल्डर, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट वेजिटेरियन प्लांट कोलाजन बूस्टर है फॉर एंटी एजिंग एंड 20 की एज से आप इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली करता क्या है कि आपका जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करता है एंड नेचुरल वे में बूस्ट करता है, मतलब कोई आप एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ले नहीं रहे हैं एंड साथ ही साथ ये डिलीशियस भी है एंड कन्वीनियंट वे है आपकी स्किन एजिंग एंड रिंकल्स को नेचुरली डिले करने का। इसको आपको लेना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो आपको एक ग्लास में 2 scoops ऑफ प्लांट बेस्ड कोलाजन जो है वो मिक्स कर दीजिए एंड अच्छे से इसको स्पून की हेल्प से मिक्स करिए एंड देन आप इसका कलर देखिए कि किस तरह से चेंज हो चुका है एंड ये काफ़ी टेस्टी लगता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस, सिट्रसी टाइप का टेस्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये परचेस करना है, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप परचेस कर सकते हैं। Hey guys, तो मेरे पास ये किचन में एक प्लांटर रखा हुआ था, ये वाला, ये मैं अपनी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, इसमें लेमन ग्रास लगा के। तो लेमन ग्रास हमारे दूसरे प्लांट में लगा हुआ है, दूसरे मतलब प्लांटर में लगा हुआ है। तो इस प्लांटर को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें चेंज करने का सोच रही हूँ, तो वही मैं अभी करूँगी। एंड विक्की अभी काम कर रहा है, आज सैटरडे है एंड विक्की इज स्टिल वर्किंग। नो हॉलीडेज ऑन सैटरडे, वाई वाई Why? Yeah. Why? क्या बोलो। She left her home to find where she belongs. Mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. तो मैं इस प्लांटर पे डेको पाच कर रही हूँ। एक्चुअली आप मेरा जो वाटर फाउंटेन है मैंने उस पर भी ऐसी कलाकारी कर दी है, बट वो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मतलब विक्की तो पूरे ठीक है, सोसो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है करने के बाद वो ब्राउन वाला ही इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट नेवर माइंड, मैं उसको थोड़े दिन ऐसे ही रहने दूंगी, 10-15 days, और उसके बाद वापस से उसको ब्राउन पेंट कर दूंगी। मेरे पास ब्राउन स्प्रे पेंट है, तो वो 2 minutes का काम है, तो जब मेरा मन उससे भर जाएगा तब मैं वो कर दूंगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा था शायद ऐसा अच्छा लगेगा, बट वो नहीं अच्छा लग रहा था। और ये पॉट हमारा रेडी हो चुका है। हाय गाइस, आज है संडे और आज गुरु पूर्णिमा है, सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। पहले गुरु पूर्णिमा, एक्चुअली इस बार मुझे पूजा करनी है, क्योंकि मैंने वो होता है ना गुरु बहन वगैरह बनता है, वो सब प्रोसेस हुआ है मेरा, मेरे कजिन की शादी में, तो मुझे स्पेसिफिकली पूजा करने को कल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मम्मी ने कि क्या क्या करना है, तो मैं अभी करने वाली हूँ। तो मैं फटाक से शावर लेकर के आऊँगी एंड खाना बनाने से पहले पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। मुंबई में कल भी बारिश हो रही थी एंड आज भी कंटिन्यूस बारिश है, तो ठंडा ठंडा वेदर है एंड आई एम प्लानिंग टू वेयर अ सूट। एक मेरा सूट है जो स्टिच होकर के तो रखा हुआ है, बट अभी तक मैंने पहना नहीं है, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पर पहन नहीं सकते हैं, ठंडा मौसम हो जाता है, तब फिर सूट वगैरह पहनना में मेरे को कम्फर्टेबल रहता है, अदरवाइज़ चिप 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 और फिर वो और उलझन होती है, तो वैसा। और अभी सुबह कुछ और नहीं कर रही हूँ, कल भी मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि मैं इतना थक गई थी, शावर लेने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती, फिर ऐसा लगता है बस खाना खाया और ऐसी पड़ी रहती हूँ, मतलब मेरी ये हिम्मत नहीं रहती कि मैं कैमरा चालू करके बातें भी कर लूँ, इतना थक जाती हूँ मैं एक्सरसाइज और वो जो डांस वांस होता है वो प्रोसेस करने के बाद। तो अब मैं आप लोगों से शावर लेने के बाद मिलती हूँ। जस्ट मेरी पूजा कंप्लीट हुई है एंड मैंने ये सूट पहना हुआ है। एक्चुअली मैंने एक सूट निकाला था दूसरा वाला पहनने के लिए, सूट पहनने के लिए, बट जब मैंने इसको पहना तो इसका नेक जो है वो बिल्कुल टेढ़म ताड़म हो रहा था। ए गाइस, तो सूट वूट तो मैंने सब साइड में रख दिया क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है। दूसरा जो मेरा सूट है जो मैंने स्टिच करवाया था, जिनसे स्टिच कराया था उनसे मैंने बात किया है, सो शी विल हेल्प मी आउट, तो वो जब भी फ्री होंगी वो मुझे कॉन्टैक्ट करके उसको ठीक कर देंगे। तो अभी वो हो गया, तो मैंने चेंज करके अभी वापस से
अपने वाले अवतार में आ गई हूँ. ब्लू कुर्ता एंड विद दिस लिनन पैंट, कैसे 3-4 साइज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. कि हम लोग लंच करेंगे, आज हमने बनाया है पनीर और रोटी. और आज मेरा मूड पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे चिड़चिड़ी सी हो रही है सुबह से. तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ. गुड मॉर्निंग, आज है मंडे और आज है फर्स्ट श्रावण का सोमवार जो होता है वो है. तो हम लोग यूजुअली फास्ट रखते हैं, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से रखती आ रही हूँ और विक्की भी रखता है, आई डोंट नो, बट अभी तो रख रहा है. हम लोग 3 साल से तो साथ में रखते हैं, तो हम लोग फर्स्ट रखते हैं एंड लास्ट फास्ट रखते हैं, ऐसा रखते हैं. या मूड होता है तो सारे रख लेंगे, मूड होगा तो मतलब 2 रखेंगे, वैसे डिपेंड करता है. तो आज हम लोग बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी एंड तो फटाफट से वो बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ क्योंकि अभी पूजा वगैरह होने वाली है. कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरा मन नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का, तो मैं स्टॉप हो गई थी वहीं पर. मैं सोचा कल करूँगी कंटिन्यू, तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ. आज आई एम फीलिंग बेटर, मैं खूब सोई हूँ और अभी जो साबूदाना है वो मैंने ओवरनाइट पूरा सोक कर लिया था, काफ़ी सारा है. मतलब मैं काफ़ी सारा काम करने लगी थी. मेरे वीडियो एडिटिंग में एक जो वीडियो आज मुझे पोस्ट करना था, उस वीडियो को जब मैंने फाइनल देखा तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे. फटाफट मैंने उसको री एडिट किया, मतलब वो मेरा ही वीडियो था. तो मैं जस्ट ऐसी यूट्यूब में आज थोड़ा छानबीन कर रही थी एंड यूट्यूब स्टूडियो ने ना एक नया फीचर निकाला हुआ है जिसका नाम है कॉपीराइट करके. तो इसमें क्या होता है कि आप अपने ये देख सकते हो कि आपका कंटेंट किस किस ने कॉपी किया है. अगर आपका इवन 2 मिनट का कंटेंट भी किसी ने कॉपी किया होगा ना, मतलब आपका कंटेंट उठा करके अपने चैनल पे डाला होगा, तो उसका भी नाम आपको आराम से आ जाएगा. बहुत ही बारिश आ गई, उसका भी नाम आपको बहुत आराम से आ जाएगा, पकड़ लेता है यूट्यूब में. मतलब नो वन कैन डू, चोरी वोरी नहीं कर सकता है कोई भी. मेरे कितने वीडियोस लिए गए हैं मैं आपको बताती हूँ. 1, 2, 3, 4 Someone has copied my 12 videos, ठीक है. और कितना परसेंट कॉपी किया हुआ है वो भी दिखा हुआ है, 100% प्रमोशन. उसके बाद सारे चैनल्स के मेरे पास नाम लिखे गए हैं. कुछ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जिनके 1,000 से 15,000 तक के सब्सक्राइबर्स हैं. पहले मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी इनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने में. विक्की ने कहा कि भेजो बिंदास अपना कंटेंट, उन्होंने कॉपी करा हुआ है. मैं सोच रही थी पहले मेल कर दूँ क्योंकि, पर ठीक है गलत तो उन लोगों ने किया हुआ है. तो मैं सबको लाइन से कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो देने के लिए वाली हूँ. ये मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक मार रही हूँ और होपफुली ये वैसे ही हटा दें, मतलब इनका चैनल वैनल बनना हो, मैं यही बस प्रे करूँगी. और आप लोग भी अगर कोई नया कंटेंट बनाता है तो नेवर कॉपी, मतलब किसी का भी कोई भी कंटेंट कॉपी मत करिएगा. आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चैनल है एक तो, ठीक है. उसके बाद आर्ट ऑफ सक्सेस वाला चैनल है मेरा, गणपति पंडाल वाला वीडियो कॉपी करके रखा हुआ है. आर्ट एंड क्राफ्ट वाले चैनल है मेरे, दिए वाला वीडियो कॉपी कर, मेरे आधे से ज़्यादा जो क्राफ्ट वाले वीडियोज़ हैं वो कॉपी करके रखे हुए हैं. गणेश पंडाल मेरा कॉपी करके रखा हुआ है. तो अभी इन सबको मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने वाली हूँ. एंड एक और मज़ेदार चीज़, ये तो चलो नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि जब मैं ये सब ढूंढ रही थी तो मैं कुछ और भी मैंने पता किया और मुझे पता लगा ना, वेरी श्योर ना, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, दे हैव यूज माई टैग्स एज वेल, जो कि मेरा टैग यूज़ कर रहे हैं. मतलब टैग यूज़ कर रहे हो, मैं उस वीडियो में भी नहीं हूँ, मैं आपके साथ उस वीडियो में कोलैबोरेटेड नहीं हूँ, ना ही आपने मेरा इंस्पिरेशन वीडियो बनाया हुआ है, ना कुछ बनाया हुआ है, एंड स्टिल यू आर यूजिंग माई टैग. मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज़, ठीक है.
देर आर वन यूट्यूबर जिसके राइट नाउ सब्सक्राइबर 1 लाख प्लस है, और जिस टैग में जिस वीडियो में इन्होंने मेरा टैग यूज किया हुआ है उसमें 7 लाख प्लस व्यूज है. देर आर अनदर यूट्यूबर हु हैज अगेन 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर, जिस वीडियो में इन्होंने मेरे टैग यूज करे हुए हैं वो वीडियो भी अगेन लैक्स के ऊपर ही है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए इन लोगों को. विक्की मुझे बोल रहे हैं इनको मेल करो. जो ये जो 1 लाख वाला बंदा है उसने तो मेरे साथ साथ और भी, और वो तीनों मेरे दोस्त हैं, उन तीनों को मैं जानती हूँ. तो मैं भी स्क्रीनशॉट लेकर के उन तीनों को भेजने के लिए वाली हूँ कि जो बड़े चैनल्स हैं जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ये मेरा टैग यूज कर रहे हैं. दिस इज रियली, मतलब ये थोड़ा अजीब है. तो मैंने सबको जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स है वो भेज दी है. कुछ को जिनके थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा थे उनको मैंने रिमूवल रिक्वेस्ट भेजी है. अगर वो रिमूवल रिक्वेस्ट पे 2 या 3 दिन में मुझे रिवर्ट नहीं करेंगे तो मैं उनको स्ट्राइक मार दूँगी वैसा. और अभी तो बस मैं यही बोलूँगी सबको, अगर आप नए यूट्यूबर हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, हार्डवर्क करो, सब आपका हो जाएगा. अभी मैं फटाफट से चेंज करूँगी क्योंकि मुझे 2 वीडियो शूट करने हैं, सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मुझे ना आज ये यूज़ करना है, ये वाला जो लाइनर है ये एज अ लाइनर यूज़ करने वाली हूँ इस पेंसिल को. तो इसलिए मैं थोड़ा सॉलिड कलर का ब्लैक कलर का ही टॉप पहनूंगी क्योंकि ब्लैक के ऊपर ये जो लुक है आई थिंक ये उठ करके आएगा. तो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. नाउ प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले मैं मेकअप करूँगी और देखूंगी कि मेरा ये मेकअप कैसा हुआ है, उसके बाद मैं टॉप पहनूंगी क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कलर का टॉप पहनूँ. जहाँ जहाँ पर भी रेडनेस है या मार्क्स है वहाँ वहाँ पर मैंने कंसीलर लगा लिया है. I just sharp it. मैंने इसको फिर से शार्प किया है और ये फिर से टूट गया है. तो इस लैक में एब्सोल्यूट की ये पेंसिल मैंने इन द शेड लगून ब्लू कलर में लिया है एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव. ये 500 रुपये की पेंसिल है और अभी तक मैं एक लाइन भी नहीं चला पाई हूँ क्योंकि जैसे ही मैं लाइन चलाती हूँ ये टूट जाता है. तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की पेंसिल है, डू नॉट बाय इट. 5th टाइम इसको शार्प किया है एंड तब जा करके ये मेरे आई पे थोड़ा सा चला है. नो डाउट द कलर इज रियली स्मूथ एंड ब्यूटिफुल बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, मतलब इतना ज़्यादा डेलिकेट है कि मैं आपको क्या बताऊँ. मेरा आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो चुका है, ये अभी इतनी सी बची है. तो अभी मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई लाइनर लगा करके इसको बैलेंस किया है बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये बिल्कुल भी, मतलब मेरे फेस पे इतना सूट नहीं कर रहा है, आप लोग मुझे बताना. बस दैट्स इट, आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.